एक्सप्रेस न्यूज में खुश आमदीद, मैं हूँ असदुल्ला खान और मैं हूँ हिरा परवेज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में होने वाला जिमनी इलेक्शन मुस्लिम नेकाब के रशाद खान ने जीत लिया। स्वात जिला शांगला के हल्के KP87 के जिमनी इंतखाब में गैर हतमी नतायज के मुताबिक मुस्लिम लीग के रिशाद खान 19,220 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं शीरीजादा से इस रिपोर्ट में। शांगला हल्का KP87 के जिमनी इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। गैर हतमी नतायज के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के मोहम्मद रिशाद खान कामयाब हुए हैं। दूसरे नंबर पर ANP के मोहम्मद दयार खान रहे। शांगला की ये सीट मुस्लिम लीग काफ के मेंबर असेंबली मोहम्मद जाहिर शाह खान के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। बिजली के मसाइल हैं, रोड्स के मसाइल हैं, रास्ते के मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं लोगों के मेयार पर पूरा उतरूंगा। जिमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रही। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। 1800 पुलिस एहलकार 201 पोलिंग स्टेशनों पर तैनात थे, जबकि बाज मकाम पर सुराग रिसा कुत्तों की मदद भी ली गयी। पोलिंग के दौरान किसी भी इलाके में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह हालात तो ऐसे है कि कंट्रोल है। सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और कर्नल साहब ने खुद बजा से खुद कल विजिट किए तमाम पोलिंग स्टेशन की क्यों भी लगाया। हल्का KP87 की आबादी 2,29,000 है, जहाँ रजिस्टर्ड वोटों की कुल तादाद 1,44,000 है। जिमनी इंतखाबात में यूं तो शांगला के अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन हैरत की बात है कि खवातीन के लिए बनाए गए 16 पोलिंग बूथ में किसी एक खातून ने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया। हार जीत इलेक्शन का हिस्सा होता है, लेकिन पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर शांगला के अवाम इंतहाई खुश और मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। शीरीजादा, एक्सप्रेस न्यूज, बिशाम, शांगला। और शांगला से चलते हैं अब बलोचिस्तान की तरफ, जहां जमहूरी वतन पार्टी बलोचिस्तान के सदर नवाब सादा शाह